धर्म प्रेमी सज्जन वृंद एवं प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, पिछली चर्चाओं में हमने मूर्ति पूजा से होने वाली हानियां और मूर्ति पूजा की खंडनी किस तरह से वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, रामायण तथा महाभारत में की गई है, इसका वर्णन सुना। आज का प्रसंग है मूर्ति पूजा और मुस्लिम काल, अर्थात इस्लाम काल में मूर्ति पूजा से भारतवर्ष को क्या हानि हुई, इसका वर्णन आज हम सुनने जा रहे हैं। और आज का जो प्रसंग है ये मैंने विशेष रूप से पंडित राजेंद्र जी की एक लिखी गई पुस्तक है भारत में मूर्ति पूजा, उस पुस्तक से लिया है। इस ग्रंथ में उन्होंने वैसे तो सभी विषयों में बहुत ही विस्तारपूर्वक जानकारी दी है, लेकिन विशेष रूप से उन्होंने इतिहास के प्रत्येक प्रमाण को यहाँ हमारे सामने रखते हुए उन्होंने ये साबित किया है कि किस तरह से मुस्लिम काल में मूर्ति पूजा के द्वारा भारतवर्ष को क्या क्या हानि हुई, जिसका मैं वर्णन आपके सामने करने जा रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ ये अरब देश, जिसमें केवल अरब नहीं उसके आसपास के सभी देश थे, वो एक ईश्वर, एक धर्म और एक धार्मिक पुस्तक अर्थात अल्लाह, इस्लाम और कुरान के नाम पर संगठित हो रहे थे। इसके विपरीत हमारा देश अनेक काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे, फिर मूर्ति पूजा और विभिन्न संप्रदाय और अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट करके अपना जो प्राचीन वैभव था उसको धूल में मिला रहा था, और बटे होने के कारण उसमें ऐसी शक्ति ही नहीं थी कि वह इन देशों में जो बढ़ती हुई इस्लाम की आंधी थी उससे टक्कर ले सके। जब इस देश में मुसलमानों का पहला आक्रमण हुआ तो वह आक्रमण था अरब के खलीफा की ओर से। एक व्यक्ति था हज्जाज, वो इराक, ईरान, मकरान तथा बिलोचिस्तान का प्रबंधक था। उसने भारतवर्ष पर जो आक्रमण किया उस आक्रमण के दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह था कि अरब के एक जहाज को कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां के कुछ लुटेरों ने लूट लिया था। तो हज्जाज जो प्रबंधक था उसने सिंध के राजा दाहिर से जब उसका हर्जाना मांगा तो राजा दाहिर ने उत्तर दिया कि ये जो जगह है अर्थात कच्छ जो है वो उसकी सीमा से बाहर है, इसलिए आप मुझसे ये मांग नहीं कर सकते। दूसरा कारण था कि हज्जाज के अधीन जो देश थे मकरान, बिलोचिस्तान, इराक और ईरान, वहाँ के कुछ विद्रोही थे। वो विद्रोही राजा दाहिर की शरण में रहने लगे थे। हज्जाज ने उन्हें वापस मांगा लेकिन दाहिर ने उन्हें वापस नहीं किया, इसीलिए हज्जाज ने क्या किया, 712 ईस्वी सन में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय मोहम्मद बिन कासिम केवल 20 वर्ष का था। वो ईरान, बलूचिस्तान होते हुए 6000 सैनिकों को लेकर के सिंध पर पहुंचा। लेकिन क्या हुआ, जिन लोगों को विद्रोही कह करके हज्जाज ने दाहिर से वापस मांगा था उनके सरदार ने ही दाहिर के सेनापति को और वहाँ का जो किला था नारायणकोट, वहाँ के किलेदार को पहले से लालच दिया और अपने पक्ष में कर लिया। और जैसे ही समय आया तो वो जो विद्रोही थे, विद्रोही मुस्लिम थे, वो सेनापति को साथ में लेकर के राजा दाहिर के विपरीत हो गए। फिर भी राजा के पास अब भी 30,000 सैनिक थे। 30,000 सैनिकों के साथ में उसने कासिम का सामना किया। 8 दिन तक लड़ाई चलती रही, लेकिन क्या हुआ, कासिम भागने वाला था। कासिम जैसे ही भागने वाला था एक ब्राह्मण उससे जाकर के मिल गया। वो ब्राह्मण कासिम से जाकर के मिला और जाकर के कहता है कि मंदिर में जो झंडा लगाया हुआ है वो मंदिर, अगर उस मंदिर का झंडा गिरा दिया जाए तो जितने हिंदू सेना है वो भाग जाएंगे, क्योंकि उनका विश्वास है कि अगर ये झंडा गिर गया तो उनका विजय असंभव है। झंडे को किसी तरह से गिरा दिया गया
और जैसे ही झंडा गिरा उनका जो विश्वास था पहले से वो विश्वास डगमगाया गया और सारी सेना भाग गई। राजा दाहिर भी घायल होकर के गिर गया। उसका सिर काट करके एक भाले पर लगाया गया और उसको देख करके जितनी दाहिर की सेना थी वह भाग खड़ी हुई। जिस मंदिर के झंडे को गिरा दिया गया था वो मंदिर भी विध्वंस कर दिया गया। अब वो जो ब्राह्मण था उसने कुछ सोने की अशर्फी पाने के लालच में खजाने का पता भी बता दिया। उस खजाने में सोने की 40 देगें थी, देगे अर्थात भंडार, और उन देगों में 40 देगों में 17,200 मन सोना भरा था। 17,200 मन का मतलब एक मन में किसी जगह पर 20 किलो होता है, किसी जगह पर 40 किलो होता है। तो 17,200 मन सोना भरा हुआ था। इसके अतिरिक्त 6,000 ठोस सोने की मूर्तियाँ थी और उनमें से सबसे बड़ी मूर्ति का तोल 30 मन का था। हीरा, पन्ना, मोती, लाल और माणिक्य तो इतने थे कि कई ऊँटों पर उसको लादा गया। और जिस ब्राह्मण ने और जिन सेनापतियों ने राजा दाहिर से विद्रोह किया था उन्हें भी कासिम ने मरवा दिया, ये कहते हुए कि जब ये अपने राजा का नहीं हो सकते तो मेरा क्या होकर के रहेंगे। उसके बाद उसने असंख्य मंदिरों और मूर्तियों को विध्वंस किया, अनेक नगरों को, अनेक ग्रामों को लूटा, हजारों स्त्री पुरुषों का कत्ल कराया। प्रत्येक गांव में जाकर के वहां के निवासियों को वो कहता रहा कि तुम मुसलमान बन जाओ और हमें धन दे दो, और जो देर करता था उनका कत्ल किया गया और उनको लूटा गया। सिंध का जो सबसे पहला इस्लामी इतिहास है उसका नाम है चचनामा। कासिम के आक्रमण की जो घटना है इस घटना को उन्होंने दूसरे प्रकार से लिखा है। उनके हिसाब से उन्होंने लिखा कि उस समय सिंध में पौराणिक संप्रदायवादियों अर्थात जो मूर्ति पूजा करने वाले हिंदू कहलाने वाले लोग थे और जो बौद्ध थे उनके बीच में बहुत गहरा संघर्ष था। दाहिर का पिता, उसका नाम था राजा चच, उस राजा चच के नाम पर यह इतिहास लिखा गया जिसका नाम है चचनामा। उसमें लिखा कि पौराणिक जो राजा चच है उसने बहुत से बौद्ध राजाओं को या तो मरवा दिया या अपने अधीन कर लिया। इसके बाद चच का छोटा भाई राजा बना लेकिन वो बौद्ध था, तो उसने राजा चच के समय बौद्ध धर्म को जो जिन्होंने तिलांजलि दे दी थी उनको फिर से बौद्ध होने के लिए विवश किया। जितने पौराणिक संप्रदायवादी थे उनको गद्दी से उतार दिया और उनके जगह पर राजा दाहिर को बनाया गया। और उसी इतिहासकार ने कहा कि कासिम का जगह जगह पर बौद्धों ने स्वागत किया और उसे हर प्रकार की सुविधा पहुँचाई। सिंध के एक व्यक्ति काका, जिसके बारे में लिखा एक कि वह एक सुप्रसिद्ध विद्वान और नीतिज्ञ था, कुछ प्रतिष्ठित जाट सामंत इनके पास गए और पूछा कि यदि आप सलाह दें तो कासिम की सेना पर रात को छापा मारा जाए। उसने उत्तर दिया कि यदि तुम ऐसा करते हो तो करो, लेकिन सुनो, हमारे पंडितों ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है कि हमारे देश को एक दिन मुसलमान विजय कर लेंगे। लोग इनकी बात नहीं मानते और हानि उठाते हैं। तुम जानते हो कि मैं सदा अपने निश्चय पर अटल रहने वाला हूँ। बौद्धों की पुस्तकों में भी यही भविष्यवाणी की गई है और मेरा भी यही निश्चय मत है कि वास्तव में ऐसा ही होने वाला है। उसके बाद वह काका मोहम्मद बिन कासिम के पास चला गया और जाट सामंतों का जो विचार था कि रात को छापा मारा जाए, उस विचार से भी उसने मोहम्मद बिन कासिम को सावचेत कर दिया। कासिम ने उसका स्वागत किया, उसे अनेक प्रकार के पारितोषिक अर्थात उपहार भेंट किए और इस तरह से राजा दाहिर के बहुत से विरोधी सेनानायक ने भी जाकर के कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। संभवतः यही काका वह देशद्रोही ब्राह्मण अथवा पुजारी था जिसका अन्य इतिहासकारों ने कासिम से जा मिलने का उल्लेख किया है। यह मुसलमानों द्वारा भारत को पराधीन करने वाले प्रथम युद्ध का संक्षिप्त विवरण, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1400 वर्ष व्यतीत होने पर भी हमारे बंधन अब जाकर के कहीं ढीले हुए हैं। तो ये जो उदाहरण दिया, इन उदाहरणों से यह सिद्ध है कि इस युद्ध में हमारी जो पराजय है उसके विशेष रूप से दो कारण है, और ये दो कारण राजनीतिक न होकर के, ऐसा नहीं है कि राजा दाहिर के पास सेना की कमी थी, उसके पास 30,000 की फौज थी जबकि मोहम्मद बिन कासिम केवल 6,000 सैनिकों को लेकर के आया था, और ऐसा भी नहीं है कि उस समय भारतीय कम वीर हुआ करते थे या कम बलशाली हुआ करते थे, जबकि इसके जो दो कारण हैं वह
पहला धार्मिक कारण है और दूसरा है मानसिक कारण। पहला ये था हिंदुओं का विश्वास कि मंदिर की मूर्ति में एक दैवी शक्ति है और हमारी जय और पराजय उसकी इच्छा पर निर्भर है। अगर वो अप्रसन्न हो जाता है तो हम कितना भी प्रयास कर लें वो प्रयास निष्फल है। इसीलिए झंडे का गिर जाना उस पराजय का उन्होंने सूचक मान लिया और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा न रख के ज्योतिषियों के हाथ में अपने भाग्य को सौंप दिया। और दूसरा जो कारण मैंने बताया कि भारतीय ऐसा नहीं है कि कम वीर थे। उस समय के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए बदाउनी। बदाउनी ने लिखा कि हिंदुओं के बराबर प्रतापशाली पठान और मुगलों में एक भी जाति विद्यमान नहीं था। फिर भी अनेक धार्मिक और मानसिक रोगों का जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है उनके कारण हिंदू जाति जर्जरित हो गई। क्या आज भी हम उनसे मुक्त हो पाए हैं? एक अंग्रेज लेखक ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम के समय से लेकर के आज तक हिंदू जाति ने न कुछ सीखा है और न कुछ भुलाया है। एक जगह पर प्रसिद्ध अरब यात्री जिसका नाम था अलबरूनी, वह लिखता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान को विजय किया तो उसकी भारी जनसंख्या और समृद्धिशाली होने का कारण वहाँ के देव मंदिर को पाया, इसलिए उसने उसे वैसा ही छोड़ दिया, लेकिन मूर्ति के गले में उसने गाय की हड्डी बांध दी। वो मूर्ति गाय की हड्डी अपने गले में बंधवाने से अपनी रक्षा नहीं कर पाई। कुछ लोग ये प्रमाण देते थे कि मोहम्मद बिन कासिम मूर्ति पर विश्वास रखता था इसलिए उसको अछूता छोड़ दिया, जबकि कारण ऐसा नहीं था। अगर वो विश्वास करता, अगर उसको मूर्ति का किसी भी बात का डर होता तो वो उसके गले पर हड्डी नहीं बांधता। इसी तरह से एक दूसरा मुसलमान इतिहासकार उसी मंदिर के विषय में लिखता है कि इस प्रकार मुल्तान का यह महान देव मंदिर नगर के विजय होने पर भी सुरक्षित रहा। अरबों के 300 वर्ष के राज्यकाल में भी वह जैसे का तैसा बना रहा। अरब वासियों ने इस मंदिर से आर्थिक और राजनीतिक दोनों लाभ उठाए। राजनीतिक लाभ यह था कि जब कोई हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण करने की तैयारी करता तो अरब शासक उसे धमकी दे देते कि यदि उसने यहाँ पर हमला किया तो इस मंदिर को हम गिरा देंगे और इस मंदिर को हम भस्मीभूत कर देंगे। और ये सुनकर के जो अंधविश्वासी और धर्म भीरु राजा होता था वह रुक जाता था। और आर्थिक लाभ ही होता था कि समस्त भारत से लोग तीर्थ यात्रा के नाम पर वहाँ जाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे और जो पैसा अरब शासक के राजकोष में चला जाता था। अरब यात्रियों का कहना था कि इस मंदिर में अतुल्य सोना चांदी था। 200 असरफियों का तो केवल अगरबत्ती ही जलाने के लिए आता था। और जहाँ सूर्य देवता की एक मूर्ति थी जो काठ की बनी हुई थी, जिसके दोनों आँख बहुमूल्य रत्नों के थे और जिनके सिर पर सोने का मुकुट था। इस प्रकार उन लोगों ने हमारे अंधविश्वास और मूर्खता का पूरा लाभ उठाया। हमारी देवमूर्तियाँ एक तरफ तो हिंदू भक्तों से अपार धन हरण करने के लिए और दूसरा अपने विध्वंसकों के चरणों में अर्पित करने की साधन बनी हुई थी। उसके भक्त और पुजारी भी अपनी स्वार्थ सिद्धि में रत थे। उनको तो अपना व्यवसाय चलता हुआ दिखना था। हिंदुओं का धन कहाँ जा रहा है उसकी इन्हें चिंता नहीं थी। उसमें से भी वो अपना भाग अर्थात अपना कमीशन सुरक्षित रखना चाहते थे, वो जो कि वहाँ के मुस्लिम शासकों से उन्हें मिल जाया करता था। अनेक मुस्लिम यात्रियों का तो ये भी कहना था कि मुल्तान के निकटवर्ती हिंदू राजा बड़ी सरलता से इस अरब शासन का अंत करके धूल में मिला सकते थे, लेकिन मूर्ति ध्वंस होने के भय से अर्थात मंदिर को गिराने के डर से उन्हें साहसीन बना रखा था। तो उस मूर्ति पूजा की वजह से हमारी पराधीनता कहाँ तक हुई ये इस संसार के इतिहास में कोई नई बात नहीं है। अनेक देशों को इस अंधविश्वास के लिए घोर प्रायश्चित करना पड़ा है। कह रहे हैं सिंध का वह देवी मंदिर जो कि भारत की पराधीनता का सर्वप्रथम सबसे पहला प्रतीक है, खंडहर के रूप में आज भी उपस्थित है। प्रत्येक वर्ष एक बड़ा मेला वहां लगता है जहां हजारों हिंदू अब भी उस देवी की पूजा करते हैं, परंतु राजा दाहिर का नाम जिसने स्वदेश रक्षा के लिए अपने प्राण का अर्पण कर दिया आज केवल अतीत की बात बन चुका है। जिस समय का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं वह इस देश के घोर अधोपतन का समय था। पौराणिक संप्रदायवाद मूर्ति पूजा अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था। हिंदू मंदिर अपार धनराशि के केंद्र बने हुए थे। आज भी वर्तमान में भी आज से 4 या 5 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में एक जो पद्मनाभ का मंदिर है वहाँ बताया जाता है कि वहाँ 4 कमरे थे, उनमें से एक कमरे को खोला गया तो लगभग 5,000 करोड़ के बराबर वहाँ पर
आभूषण मिले, जवाहरात मिले। तो इसीलिए कह रहे हैं, गुजरात के राजा वल्लभराय की राजधानी महानगर के देव मंदिर में सोने, चांदी, लोहा, पीतल, हाथी दांत और हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर और मणियों की 20,000 मूर्तियां हैं। उसकी एक मूर्ति 12 हाथ ऊंची सोने की है, जो कि सोने के ही सिंहासन पर विराजमान है। यह सिंहासन एक गोलाकार ऊंचे सोने के भवन में स्थित है। यह भवन स्वच्छ मोतियों, लाल, हरे, पीले और नीले रंग के जवाहरात से सुसज्जित है। साल में एक बार इसका मेला यहाँ पर होता है और वहाँ का राजा स्वयं वहाँ पर पैदल आता जाता है। इस मूर्ति के सम्मुख वर्ष में एक दिन बलि दी जाती है। मनुष्य तक उस पर अपनी बलि चढ़ाते हैं। सोचिए, जानवरों की बलि तो चढ़ती ही थी, मनुष्य की भी बलि चढ़ानी शुरू कर दी। मंदिरों पर आक्रमण का जो कारण था वह केवल मूर्ति ध्वंस द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की लालसा ही थी, अभी तो इन मंदिरों का अपार वैभव भी उन्हें यहाँ खींच लाने का एक मुख्य कारण था। कहने का मतलब यह कि जितने भी मुस्लिम शासक थे वो उस मंदिर पर इसीलिए हमला करते थे क्योंकि उसमें उन्हें दो फायदा दिख रहा था। एक, चूंकि वो बुत परस्ती नहीं करते, अर्थात वो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो मूर्ति भंजक है। उनकी मान्यता है कि मूर्ति को तोड़ने से, मंदिरों को गिराने से तुम्हें जन्नत की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग की प्राप्ति की लालसा से वो हमला करते थे। और दूसरा, उन मंदिरों में जो अपार वैभव था वो वैभव उन्हें अपनी ओर खींच लाता था। आज से लगभग 2 दशक पूर्व की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब अफगानिस्तान की यात्रा पर गए थे तो वहाँ जा कर के उन्होंने जब वहाँ के लोगों से इच्छा की कि मुझे गजनवी जाना है, तो पहले तो उन्हें ये लगा कि गजनवी कौन सी जगह का नाम है। अब भारत के इतिहास में उस स्थान का नाम बहुत गर्व के साथ में बताया जाता है। अगर गर्व ना हो फिर भी उस स्थान को ऐसे बताया जाता है जैसे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता हो। तो गजनी जाने की जब व्यक्त की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो पहले तो वहाँ के लोगों को आश्चर्य हुआ क्योंकि गजनी वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी जैसे भारत में आने के बाद में विदेशी लोग हरिद्वार जाने की इच्छा करते हैं या फिर कश्मीर घूमने की इच्छा करते हैं या फिर यहाँ की किसी समृद्धशाली नगरी में जाने की इच्छा करते हैं। वहाँ के लोगों ने सोचा कि गजनी में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, न कोई टूरिस्ट स्पॉट है, न कोई पर्यटकीय स्थल है, न कोई धार्मिक स्थल है, तो क्यों जाना चाह रहे हैं। अब वाजपेयी जी ने कहा था क्योंकि उस समय में वो भारत से विदेश दौरे पर थे, सोचा कि अब दूसरे देश के मित्र हमारे यहाँ पर आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। उन्होंने आनन फानन में खोज किया गजनी कहाँ पर पड़ता है। कुछ समय खोजने के बाद पता चला कि गजनी एक दूर दराज ऐसा प्रदेश था जो कि दुर्गम था। जैसे तैसे वाजपेयी जी वहाँ पर पहुँचे तो देखते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब जब वो वापस आए, आज भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे उनके उस भाषण को सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस अरबी आक्रांता के विषय में हम यहाँ पर इतिहास में पढ़ते हैं वहाँ गजनवी को कोई भी नहीं जानता, न कि और न ही वो जिस स्थान गजनी से आया था उस स्थान को कोई जानता है। यहाँ का बच्चा बच्चा उस गजनवी को जानता है। तो जो जगह आज अफगानिस्तान के नक्शे पर भी ढंग से दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे दुर्गम जगह का व्यक्ति जब भारतवर्ष में आया तो उसने भारतवर्ष पर हमला करके यहाँ के मंदिरों को अनेकों बार लूटा। इसका कारण एकमात्र था, भारतवर्ष में उस समय के लोग बहुदेव की उपासना करते थे, बहुदेववाद में विश्वास करते थे, एक चेतन परमात्मा की उपासना नहीं करते थे, मूर्तियों की वो पूजा करते थे, काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करते थे और अपने बाहुबल पर भरोसा न करके वो उन मूर्तियों पर भरोसा रखते थे। सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ, मैंने पहले दिन की चर्चा में भी कहा था कि जब सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ तो वहाँ के पुजारी वहाँ के सैनिकों से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, महादेव जी अपने सेनापति कार्तिकेय को या फिर अपने गण में से किसी को भेज देंगे। न महादेव जी स्वयं आए, न कार्तिकेय आए, न अपने गण में से किसी को भेजा। और जब उसने हमला किया तो वहां से 700 मन सोने चांदी के बर्तन, 740 मन सोना, 2000 मन चांदी, 20 मन हीरे मोती और जवाहरात लूटे।
थानेश्वर में जब उसने हमला किया तो 2 लाख हिंदुओं को बंदी बनाकर गजनी ले गया। फरिश्ता नाम का एक इतिहासकार लिखता है कि उस समय गजनी हिंदुओं की सी नगरी प्रतीत होती थी। मथुरा की लूट में उसे सोने की 6 ठोस मूर्तियां मिली थी जिनके शरीर पर 11 बहुमूल्य रत्न थे। वहां से वो इतने हिंदू गुलाम बनाकर ले गया कि गजनी में उसने एक एक गुलाम को 2.5 रुपए में बेचना चाहा, परंतु खरीदने वाले नहीं मिले। मथुरा को देख करके महमूद ने स्वयं कहा था कि हजारों महल विश्वासी के विश्वास की भांति दृढ़ भाव से खड़े हैं जो संगमरमर के बने हैं। यहाँ असंख्य हिंदू मंदिर हैं, अनंत धन खर्च किए बिना नगरी इतनी सुंदर नहीं बन सकती। 200 वर्ष के यत्न और परिश्रम के बिना ऐसा नगर निर्माण असंभव है। इसके पश्चात उसने गुजरात के सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इस विशाल मंदिर में अगणित बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे। 40 मन भारी सोने की जंजीर में एक भारी घंटा लटक रहा था। उसमें 5 गज ऊंची शिव मूर्ति अधर में लटक रही थी, जिसे उसने अपने हाथों से तोड़कर असंख्य रत्नों का ढेर लूट लिया। उस मूर्ति को गजनी अपने साथ ले गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके एक टुकड़ा मस्जिद की सीढ़ियों में और अपने महल की सीढ़ियों में लगा दिया। उसने उस मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद निर्माण करा दी जो अब तक खड़ी है। इससे पहले शायद ही इस देश ने कभी इतने दुर्दिन देखे हों। सोमनाथ की जिस शिव मूर्ति को मोहम्मद ने अपने हाथों के एक गदा से विध्वंस किया था, वह बिना किसी दृष्ट आधार के मंदिर में अधर में स्थित थी। शैव लोगों में मूर्ति के इस चमत्कार को बड़े कौतूहल की दृष्टि से देखा जाता था और भोली भाली हिंदू जाति अंधविश्वास और तत्कालीन आर्थिक वैभव से मंदिर के पुजारी और उनके संरक्षक क्षत्रिय राजा पूर्ण लाभ उठाते थे। ये मूर्ति लोहे की बनी हुई थी। मंदिर में ऊपर नीचे दोनों ओर चुंबक पत्थर लगा हुआ था, जिसके आकर्षण से यह मूर्ति अधर में स्थित थी। मोहम्मद गजनवी ने जब इसे तोड़ना चाहा, तो पुजारियों ने उसे न तोड़ने की बड़ी अनुनय विनय की और बदले में बहुत धन देने को भी कहा, किंतु उसने उत्तर दिया कि मैं मूर्ति भंजक हूँ, मूर्ति विक्रेता नहीं। पुजारियों की इस प्रार्थना के 2 कारण प्रतीत होते हैं। पहला ये कि उस शिवलिंग के भीतर बहुत से रत्न भरे हुए थे, और दूसरा ये कि इससे उनका समस्त चमत्कार, जिसके आधार पर उनका ये व्यापार चल रहा था, धूल में मिल जाता। इन शिव भक्तों की इस शिवलिंग ने थोड़ी सी भी सहायता नहीं की और एक अंधविश्वासी बर्बर द्वारा क्षण भर में उसके खंड खंड हो गए। इसके 300 वर्ष पहले मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय देवी भी अपने उपासकों की सहायता नहीं कर सकी, न ही अपनी रक्षा कर सकी, और फिर 300 वर्ष के बाद भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिर को भी विध्वंस किया गया। शिवलिंग के भी टुकड़े टुकड़े करके उस जगह पर मस्जिद बना दी गई। उपर्युक्त जो दोनों घटनाएँ हैं वो केवल ऐतिहासिक घटनाएँ हैं, हमारी कोई कल्पना नहीं है, ये इतिहास में घटित हो चुकी है। इसी तरह सोमनाथ, काशी, अयोध्या तथा मथुरा आदि तीर्थ स्थानों की वक्षस्थली पर जितने भी देव मंदिर थे उनको विध्वंस करके उनकी जगह पर जो मस्जिद खड़ी है, उन मस्जिद को हम आज भी देख सकते हैं। तत्कालीन भारत की जो स्थिति थी उसका वर्णन अरब का प्रसिद्ध यात्री अलबरूनी, जो महमूद के आक्रमण के समय में भारत में था, वह लिखता है कि भारत बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सब राज्य स्वतंत्र हैं और परस्पर युद्ध में प्रवृत्त रहते हैं। ब्राह्मण अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इतने व्याकुल हैं और जाति भेद का ऐसा द्वेष भाव फैल रहा है कि वैश्य और शूद्रों को वेद पाठ करते देखकर ब्राह्मण उन पर तलवार लेकर टूट पड़ते हैं और उन्हें राज कचहरी में उपस्थित करते हैं, जहाँ उनकी जीभ काट ली जाती है। ब्राह्मण हर प्रकार के राज्य कर से मुक्त है। हिंदू बालाएं सती हो जाती हैं। हिंदू किसी देश को नहीं जाते, किसी जाति को श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते। वे अपने को और अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, परंतु अंत में इन ब्राह्मण और क्षत्रियों को भी अपने इन पापों का फल भोगना पड़ा। वे भी गजनी के बाजार में 2-2 रुपये में बिके। मोहम्मद गजनी के लगभग 150 वर्ष के बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने आगे बढ़कर के उसे परास्त किया और बंदी बना लिया, लेकिन कुछ दंड लेकर के उसे छोड़ दिया। उसने 6 बार आक्रमण किया, हार करके बंदी हुआ और धन लेकर छोड़ दिया गया। पृथ्वीराज और जयचंद के आपस का जो युद्ध था, उस युद्ध को मोहम्मद गोरी ने भुनाया और एक बार फिर से भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला। जयचंद ने पृथ्वीराज से हार करके मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने का वचन दिया, निमंत्रण भेजा और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध सहायता देने का भी वचन दिया।
इस बार भी पृथ्वीराज ने डट करके सामना किया। मोहम्मद गोरी की सेना भागने ही वाली थी, लेकिन जयचंद की सेना ने पीछे से आक्रमण किया। पृथ्वीराज पकड़े गए और मोहम्मद गोरी उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। इस प्रकार हिंदू स्वाधीनता का जो दिया था वो सदा के लिए जल गया। और इसके दूसरे ही वर्ष मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। जयचंद की सेना में उस समय 50,000 मुसलमान सवार थे। वे युद्ध के समय में उल्टा जयचंद की सेना पर टूट पड़े। राठौड़ों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक तीर से जयचंद घायल होकर के गिर पड़ा और घोड़े सहित गंगा में गिरकर डूब गया। ऐबक ने कन्नौज में 1,000 मंदिरों को तोड़ा, 400 ऊँटों पर लूटा हुआ सोना और चांदी लादकर अफगानिस्तान ले गया। इस प्रकार जयचंद को भी अपने देशद्रोह का प्रायश्चित दूसरे ही वर्ष में करना पड़ा। उस समय में हिंदू राज्य शक्ति पारस्पर गृह युद्ध से नष्ट हो रही थी और मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रताप को देखकर प्रत्येक राजा उनकी सहायता में लगा हुआ था और सहायता से वो लाभ उठाते थे। मुसलमानों को उन्होंने ऊंचे ऊंचे राज्य पद दे रखा था, जिससे लाभ उठाकर उन्होंने जगह जगह पर अपनी मस्जिद बनानी प्रारंभ कर दी। उनको राज्य की हर प्रकार की सुविधाएं सहज में प्राप्त हो गई। उन्होंने अपनी बस्तियां बसानी आरंभ कर दी। राज्य की ओर से उन्हें अपना अलग से न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो गया और उनके लिए न्यायाधीश के रूप में अलग से काजी नियत कर दी गई। इन हिंदू राजाओं ने उन विदेशियों के आतिथ्य सत्कार में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। हिंदू जाति वैसे भी अपने आतिथ्य के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, फिर इस समय तो उनकी राजनीति और धर्मनीति दोनों का ही दिवाला निकल चुका था। अपने और पराये तक का भेद जानने की शक्ति विनष्ट हो चुकी थी। मुसलमानों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और धीरे धीरे अपना प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया। पौराणिक धर्म उसके समक्ष निश्चय ही निर्बल और आकर्षणहीन था, अतः वह उससे टक्कर लेने में सर्वथा असमर्थ सिद्ध हुआ। इस तरह से प्राचीन वैदिक धर्म, जो कि विश्व को श्रेष्ठ बनाने की विशुद्ध भावना थी, वह नष्ट हो चुकी थी। पौराणिक धर्म में विधर्मियों को अपने में मिलाने का विधान ही नहीं था, और यदि हो तो भी जन्मगत जाति पाति के गोरख धंधे के कारण ये जो नव आगंतुक थे उनके लिए हिंदू समाज में कोई स्थान नहीं था। इस्लाम जो है वह एक ईश्वरवाद में मानता है। जड़ पूजा निषेध, भ्रातृप्रेम, समानता का भाव निर्विवाद रूप से वैदिक धर्म के परिज्ञान के अभाव में पौराणिक धर्म पर विशेष थे। फलस्वरूप न केवल निम्न श्रेणी के दलित हिंदू ही अपितु दक्षिण के अनेक राजा तक इस्लाम में दीक्षित हो गए। राजा के धर्म परिवर्तन का प्रजा पर स्वभावतः प्रभाव पड़ता है और हुआ भी। राजा की देखा देखी धीरे धीरे लाखों हिंदू मुसलमान हो गए। जेमुरिन की शंकाओं का पौराणिक विद्वान समाधान न कर सके, इसलिए मालाबार, कोदंगल्लूर और राजा चेरामान पैरुमल मुसलमान हो गया। उसका नाम अब्दुल रहमान रखा गया और वह अरब को मक्का की यात्रा पर चला गया। वहाँ से उसने कई प्रचारक मालाबार भेजे, जिन्होंने 11 मस्जिदें बनाई और इस्लाम का प्रचार किया। राजा वहाँ से वापस नहीं लौटा और 4 वर्ष के बाद मर गया। आज भी जेमुरिन राजगद्दी के अवसर पर अपना सिर मुड़वाता है और मुसलमानी ढंग के वस्त्र पहनता है। एक मोपला मुसलमान उसके सिर पर मुकुट रखता है। राज्याभिषेक के उपरांत वह जाति बहिष्कृत समझा जाता है। इस राजा के प्रभाव से वहाँ इस्लाम का अच्छा प्रचार हुआ। एक अरब यात्री मसूदी ने 10वीं सदी में चौल में 10,000 मुसलमानों की बस्ती पाई। इब्न बतूता ने भी खम्मात से मालाबार तक सर्वत्र मुसलमानों की अच्छी जनसंख्या देखी और उन्हें समृद्धशाली पाया। गोवा मुसलमानों के अधिकार में था, हिनोर भी उनका राज्य था, मंगलोर में भी 4,000 मुसलमानों की बसावट थी। इस तरह दक्षिण भारत के समस्त समुद्री तट पर उनकी बस्तियां थी और न केवल उनके द्वारा किंतु हिंदू राजाओं की ओर से बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवा दी गई थी। नजदवली ने 13वीं शताब्दी में मदुरा और त्रिचनापल्ली में बहुत से हिंदुओं को मुसलमान बनाया। बाबा फखरुद्दीन एक साधु था जो पेन्नुकोड़ा में रहता था, उसने वहाँ के राजा को मुसलमान बनाया और एक मस्जिद बनवाई। उस समय भी बीजानगर, जो कि दक्षिण का एक विशाल राज्य था, उस राजा की सेना में 10,000 मुस्लिम सैनिक थे। राजा जिनका बड़ा आदर किया करता था और उसने एक मस्जिद भी बनवा रखी थी। उन्होंने हिंदुओं के अंधविश्वास और अज्ञान का पूरा लाभ उठाया और उन्होंने अपने धर्म प्रचार में
छल कपट कूटनीति का यथा अवसर पूरा उपयोग किया। मालदीप में इस्लाम कैसे फैला इसके संबंध में भी इब्न बतूता ने लिखा है कि यहाँ के निवासी पहले सभी मूर्ति पूजक थे। यहाँ समुद्र की ओर से प्रतिमास एक राक्षस आता था। जब वहाँ के निवासी इसे देखते थे तो एक अविवाहित लड़की को श्रृंगार करके उसे देव मंदिर पर छोड़ाते थे जो समुद्र तट पर स्थित था। परंतु मराको के एक अरब शेख अबू उल बरकात बरबरी जो अकस्मात यहाँ आए हुए थे, उनकी कृपा और प्रार्थना से द्वीप निवासी उनसे मुक्त हो गए। इस चमत्कार को देख करके वहाँ के सनो राजा और उसकी समस्त प्रजा मुसलमान हो गई। यह समुद्र की ओर से आने वाला राक्षस कौन था और उसका उस शेख ने कैसे दमन किया, ये एक विचित्र रहस्य है। संभवतः या तो वह कोई दुष्ट व्यक्ति था जो समय मूर्ति पूजा के अंधविश्वास का लाभ उठाकर वहाँ की जनता को भयभीत कर रहा था, जिसे इस शेख ने वश में कर लिया था, या फिर ये उनमें से ही किसी की करतूत थी जिसका शेख ने लाभ उठाया। इसी प्रकार मद्रास के दहपट्टन के राजा कोयल की एक घटना वर्णित है। राजा कोयल का एक पूर्वज मुसलमान हो गया था और उसने एक मस्जिद बनवाई थी। उसका वर्णन इब्न बतूता ने लिखा, उसने सुना कि जहाँ मस्जिद है वहाँ एक वृक्ष था जिस पर कलमा लिखा होता था, जिसे आधा हिंदू और आधा मुसलमान ले जाते थे। इससे रोगी स्वस्थ हो जाते थे। इसी चमत्कार को देखकर राजा मुसलमान हो गया। बुद्धपट्टन की मस्जिद के एक ऐसे ही चमत्कार का उसने उल्लेख किया। वहाँ समुद्र तट पर एक मस्जिद थी, उसकी छत तोड़कर किसी ब्राह्मण ने एक लकड़ी अपने घर में लगा ली। फलतः उस ब्राह्मण के घर में आग लग गई और वह सब परिवार उसमें जलकर मर गया। जिन मुसलमानों को राजा अपने यहाँ उच्च पदों पर नियुक्त करते थे वे समय पाकर स्वयं वहाँ के राजा बनते थे। इसके अनेकों उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। कोरोमंडल के राजा सुंदर पाठ्य के मंत्री तकीउद्दीन का भाई जमालुद्दीन, जो राज्य के लिए प्रतिवर्ष 10,000 घोड़े अरब से लाकर बेचा करता था, राजा के मरने पर वहाँ का राजा बन बैठा। उस समय इस्लाम के प्रचार में एक अन्य उपाय का भी अवलंबन किया जा रहा था। मुसलमान फकीर हिंदू वेश में मंदिरों में रह करके वहाँ की आंतरिक दशा का अध्ययन करते थे और उसकी सूचना अपने प्रचारकों और मुस्लिम शासकों को देते रहते थे, जो समय पर उनसे पूरा लाभ उठाते थे। इब्न बतूता का कहना है कि चंदापुर के निकट एक मंदिर में उसकी भेंट एक जोगी से हुई जो वास्तव में एक मुसलमान सूफी था और केवल संकेत में बातचीत करता था। फारसी का प्रसिद्ध कवि शेख सादी सोमनाथ के मंदिर में कुछ समय हिंदू साधु बनकर रहा था। इसी प्रकार समस्त देश में मुस्लिम साधु बड़ी सरलता और शांति से पौराणिक धर्म की दुर्बलता से लाभ उठाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे। 1197 में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर के मंदिर के महंत रामदेव और योगीराज अजयपाल को मुसलमान बनाया। इसी मठ के सूफियों ने आगे चलकर इस्लाम के प्रचार का बड़ा कार्य किया। दक्षिण में सदरुद्दीन ने खोजा संप्रदाय को जन्म दिया जो आज कट्टर मुसलमान है। उत्तर पश्चिम में भी लाखों हिंदू जहाँ तलवार के जोर से मुस्लिम बनाए गए, वहाँ कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पौराणिक मतमतांतरों और विशेषकर मूर्ति पूजा से असंतुष्ट होकर के इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। वलाजरी जो एक अरबी इतिहासकार है जो 9वीं शताब्दी में हुआ, उसने लिखा कि कश्मीर, काबुल और मुल्तान के बीच असिफान के राजा का एक लाडला पुत्र बहुत बीमार हुआ। राजा ने मंदिर के पुजारियों को बुलाकर उसकी जीवन रक्षा के लिए देवता से प्रार्थना करने को कहा। पुजारियों ने आकर दूसरे दिन कहा कि प्रार्थना की गई और देवताओं ने उसे जीवन दान देने की कृपा की है, परंतु राजा का पुत्र थोड़ी देर में मर गया। राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने उसी समय जाकर मंदिर विध्वंस करा दिया। पुजारियों के सिर काट लिए गए। राजा ने नगर में जो मुसलमान व्यापारी थे उन्हें बुलाकर इस्लाम के सिद्धांतों के संबंध में पूछा और मुसलमान हो गया। जहाँ अनेकों हिंदू मुसलमान हो रहे थे, वहाँ कभी कभी कोई सरल प्रकृति मुसलमान भी मंदिरों के अद्भुत चमत्कारों को देखकर पुजारियों के चकमे में आ जाता था। एक अरब यात्री जो बैतुल मुकद्दस का निवासी था, 10वीं शताब्दी में सिंध के मंदिरों के वर्णन में कहता है कि हवरवा में पत्थर की दो अद्भुत मूर्तियाँ हैं, वे देखने में सोने चांदी की प्रतीत होती है। कहते हैं कि यहाँ आकर जो प्रार्थना की जाती है वह स्वीकृत हो जाती है। यहाँ हरे रंग के पानी का एक कुंड है, ये पानी घावों के लिए बड़ा लाभप्रद है। यहाँ पुजारियों का व्यय देवदासियों द्वारा पूरा होता है। बड़े बड़े लोग अपनी लड़कियों को लाकर यहाँ चढ़ाते हैं। मैंने यहाँ एक मुसलमान को देखा जो इन दोनों मूर्तियों की पूजा करने लगा था। बाद में वह वेशापुर में जाकर पुनः मुसलमान हो गया। ये दोनों मूर्तियाँ जादू की थी, उनको कोई हाथ से छू नहीं सकता था।
जिन चमत्कारों के आधार पर देश को हजारों वर्षों तक लूटा गया, न जाने इन मूर्तियों की दैवी शक्ति उस समय कहाँ विलुप्त हो गई जब मुसलमानों ने उन्हें खंड खंड करके मस्जिदों की सीढ़ियों तक में लगा दिया। आज भी वही मूर्तियाँ हर प्रकार के चमत्कारों से शून्य है। मूर्ति पूजा और उसके कुपरिणामों का चित्रण जो तत्कालीन अरब यात्रियों और विद्वान लेखकों ने किया है, जो अब भी उपलब्ध है, हम यहाँ संक्षिप्त में उसको कहते हैं इब्न नदीम ने अनेक प्रकार की मूर्तियों और उनकी आकृतियों का वर्णन किया। यहाँ उसने काली के चार हाथ, नीला रंग, दांत निकले हुए, पीठ पर हाथी की खाल जिससे खून की बूंदें टपकती है, सिर पर खोपड़ियों की ताज और उन्हीं की गले में माला देखी। सूर्य की मूर्ति का वर्णन करते हुए लिखता है, एक गाड़ी में चार घोड़े जुते हैं, एक पर मूर्ति है, उसके भक्त उसको दंडवत करते हैं, चारों ओर घूमते हैं, धूप जलाते हैं और बाजा बजाते हैं। मंदिर में बहुत सी जायदाद लगी है और बहुत से पुजारी जो इस मंदिर और जायदाद का प्रबंध करते हैं। चंद्रमा की मूर्ति का रथ चार हंसों वाला बताया है। मूर्ति के हाथ में एक बहुत बड़ा लाल होता है जिसे चंद्र केतु कहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इसकी पूजा होती है। गंगा के महात्मा का भी इसने वर्णन किया। दूसरा लेखक जो दशम शताब्दी में हुआ, उसका नाम था मुत्कल्ली महतर, महादेव, काली, महाकाली और लिंग पूजा का वर्णन करता है। उसने अग्निहोत्री और योगियों का भी अपने पुस्तक में उल्लेख किया है। ब्राह्मणों के संदर्भ में लिखता है कि ये गाय की पूजा करते हैं, गंगा से पार जाना पाप समझते हैं और किसी दूसरे को अपने धर्म में नहीं लेते। एक अन्य लेखक अब्दुल करीम सहरस्तानी ने वृक्षों की पूजा का भी उल्लेख किया। इन अरब यात्रियों ने मंदिरों में देवदासी प्रथा का बड़ी घृणा के साथ वर्णन किया। मूर्तियों के सम्मुख मंदिरों में अपना जीवन बलिदान करने वाले भक्तों का उन्होंने बड़ा रोमांचकारी चित्र खींचा है। गंगा में डूबकर जान देना तो साधारण बात थी, ऐसा लिखा है। अबूजिद सैराफी लिखता है कि इन लोगों को आवागमन पर इतना विश्वास है कि अग्नि में जीवित भस्म हो जाना इनके लिए साधारण बात है। जब कोई अपने आप को भस्म करना चाहता है तो राजा की आज्ञा लेता है, बाजारों में घूमता है, झांज बजाई जाती है, एक फूलों का मुकुट जिसमें अग्नि रखी होती है उसके सिर पर पहनाते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे जलता हुआ पूर्व से प्रज्वलित की हुई आग में कूदकर भस्म हो जाता है। मूर्ति पूजा का अंधविश्वास इस श्रेष्ठ जाति को कहां से कहां लेकर के पहुंची, इसकी साक्षी में दिए गए जितने भी प्रमाण थे, जितने भी उदाहरण थे, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। सांप्रदायिक अंधविश्वास के उन्माद में मनुष्य क्या नहीं कर सकता, इसके उदाहरण इससे ज़्यादा और क्या हो सकते हैं। जिन अरब यात्रियों का उदाहरण हमने दिया उनसे तथा इस प्रकार अनेक विवरणों से मूर्ति पूजा के इतिहास पर एक और प्रकाश पड़ता है। इन यात्रियों ने, जिनका समय प्रायः 9वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक आंका जाता है, हिंदुओं के जिन विभिन्न धार्मिक विश्वासों तथा प्रचलित मूर्तियों का उल्लेख किया, उनमें विष्णु की मूर्ति अथवा वैष्णव संप्रदाय के आधारभूत अवतारवाद के सिद्धांतों का कहीं विशेष वर्णन नहीं है। इससे सिद्ध है कि वैष्णव संप्रदाय और उसके अवतारवाद का जन्म शैव तथा शाक्त संप्रदायों से कहीं पीछे का है, अथवा उस समय उसका पश्चिम उत्तर भारत में विशेष प्रचार नहीं था। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि उस समय सूर्य देवता ही आगे चलकर विष्णु बन गया, क्योंकि वेद मंत्रों में सूर्य के लिए भी अनेक स्थानों पर विष्णु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये था भारतवर्ष में मुस्लिम काल में मूर्ति पूजा किस तरह से थी और किस तरह से उसने हानि पहुंचाई और कैसे भारतवर्ष गुलाम हुआ। आगे भी मूर्ति पूजा और मुस्लिम काल का भाग दो, जिसमें मोहम्मद गोरी के पश्चात जितने भी कुतुबुद्दीन गुलाम हुए, मोहम्मद इब्ने बख्तियार हुए, उसके बाद औरंगजेब और औरंगजेब से पहले के जितने शासक हैं अलग अलग जाति में, चाहे वो मुगल में हो चाहे वो किसी और जाति में हो, उन्होंने किस तरह से आकर के भारत में मूर्तियों को तोड़ा, किस तरह से उन्हें ध्वंस किया, किस तरह से उनके स्थान पर मस्जिद बनाई, लेकिन फिर भी वो जड़ मूर्तियाँ कुछ नहीं कर सकी, न अपनी रक्षा कर सकी, न भारतवर्ष की और न उस मूर्ति के पुजारियों की और उन भक्तों की रक्षा कर सकी, इसका प्रमाण हम सुनेंगे कल। तो आज की चर्चा के अंत में मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि आज ये चौथा दिन है, चौथे दिन की चर्चा में भी हमें अगर समझ में ना आए कि मूर्ति पूजा ने भारत में कितनी हानि पहुंचाई है, तो हम सबको बस अब इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि अब तक जिसने हजार वर्ष से भी अधिक समय तक जिसने भारतवर्ष को गुलाम बनाया, अगर अब भी हम नहीं संभले तो फिर यह हमें किस दिशा में ले जाएगी।
इसीलिए सभी धर्मप्रेमी सज्जनवृंद इस चर्चा पर विचार करें। हम कल भी मूर्ति पूजा और मुस्लिम काल का भाग दो सुनेंगे और उसके बाद में अगला जो प्रसंग है उससे अगला प्रसंग है मूर्ति पूजा और फिर संतवाणी क्या कहती है। संतवाणी में गुरु ग्रंथ साहब हैं, गुरु ग्रंथ साहब, उसके बाद कबीर जी हैं, दादू हैं, ऐसे अनेकों भक्त हुए, ऐसे अनेकों शिष्य हुए, ऐसे अनेकों संत साधु महात्मा हुए जिन्होंने अपने अपने ग्रंथ में मूर्ति पूजा पत्थर पूजा का विरोध किया है। उसके बाद हम ब्रह्मवाणी और बीतक साहब का भी उदाहरण सुनेंगे। आज के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। प्रणाम जी।